हाइपर एसिडिटी है मुझे 15-1 साल से। आई एम ऑलमोस्ट 85-90% रिलीव इन लास्ट 4 डेज। पिछले 15-18 साल में दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस आई हैव नॉट टेकन एंटा एसिड और मुझे बिल्कुल एसिड नहीं बन रहा। मेरा नाम संजीव जैन है, मैं 7 बिजनेस रन करता हूं और मैं खुद एक टेक्नोलॉजी कोच भी हूं। मैं डायबिटिक हूं पिछले 15-16 साल से और डायबिटीज मेरी इतनी हाई है कि मेरे पास 4 मशीनें लगी हुई हैं अभी, तो ये 2 मशीनें हाथ में हैं और 2 मशीनें मेरी जेब में रहती हैं। तो यहाँ पे आने के बाद मैं तो जो 70 यूनिट्स इंसुलिन मेरी थी वो घट के अभी कल सिर्फ 32 यूनिट रह गई। मेरे को थायराइड और बीपी है और मेरे बीपी और थायराइड की वजह से हाथों में स्वेलिंग रहती थी, तो वो पिछले 10 सालों से वैसे ही थे। सब 2 दिन के कैंप ज्वाइन करने से मेरे हाथों की स्वेलिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने रिंग पहन रखी है वो 2-4 दिन बाद तो नीचे निकल के गिर जाएगी और मेरा बीपी भी बिना दवाइयों के नॉर्मल हो गया। मेरा नाम अनिल गुप्ता है, मैं ओकाया और माइक्रोटेक का फाउंडर हूँ। मेरा वजन करीब 8-9 साल पहले 104 किलो होता था, तो वजन कम करने की चीज़ें शुरुआत हुई, ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, इसको छोड़ो उसको छोड़ो, कुछ ज़्यादा असर पड़ नहीं रहा था। 1-2 इंच कम होता था, 1-2 इंच वापस बढ़ जाता था, तो एक तरह से गिव अप कर दिया था। NLS नेचुरल लाइफस्टाइल का, जो क्या खाना क्या नहीं खाना फॉलोअप करना शुरू कर दिया और वजन एक समय तो मैं 67 kg भी आ गया था, अब मैं 74 और 77 के बीच में रहता हूँ, 30 किलो कम हो चुका है। जब मैं 2 मंथ्स का था मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम थी, ऑलवेज डेली इनहेलर लेने की जरूरत पड़ती थी। अभी इन 4 डेज के कैंप में मुझे एक बार भी इनहेलर की जरूरत नहीं पड़ी। कभी कभार मेरी रात को भी नींद खुल जाती थी, सांस सूटता था तब। इन 4 डेज के कैंप में मुझे बिल्कुल साउंड स्लीप आई और मुझे एक बार भी रात को नहीं उठना पड़ा। करीब 4 मंथ पहले मुझे मेरे लेफ्ट नी में पेन स्टार्ट हुआ था, फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको अपनी नी की सर्जरी करनी पड़ेगी। मुझे अपने डाइट प्लान और 1-to-1 अटेंशन से ही मुझे बस 4-to-5 डेज में ही 70% के अराउंड मुझे रिलीफ मिल गया। थैंक्स टू आचार्य जी, थैंक्स टू पूजा बंसल मैम, जिसकी वजह से मैं आज इस कंडीशन पे हूँ कि मैं सर्जरी से बच गया। दोनों नोज मेरा क्लियर, मतलब मैं सांस ले रही थी 3rd डे को फाइनली। मेरा 6 साल से साइनस था, 6 साल के बाद मैं 3rd डे फाइनली रात को मैं सांस ले रही थी। मुझे गाल ब्लैडर में स्टोन हुआ था और सब ने मुझे गाल ब्लैडर रिमूव करने के लिए बोला। मैं तो ये सोच रहा था कि मुझे गाल ब्लैडर निकालना पड़ेगा, जैसे कि मुझे सारे डॉक्टरों ने एडवाइस की थी, इनका पूरा फॉलो किया, तो मेरा स्टोन 11.5 से 9.63 और उसके बाद डिसॉल्व पूरा हो गया, थैंक्स टू NLS, जिसके कारण मैं सर्जरी से बच गया। मेरे ये सब शरीर में दर्द होता था और सब अकड़ सा जैसा होता है और ये आने से मेरे बहुत अच्छा है। और हाथ में ये ऐसा हो रहा था, मेरे ऐसा मुट्ठी नहीं, हम मुट्ठी बोलते हैं, ऐसा नहीं होता था, अभी ये हो रहा है। बहुत अच्छा लगा, बहुत फुर्ती, बहुत हिम्मत आ रहा है बहुत। शरीर के लिए अगर कुछ बेस्ट चीज़ है तो वो NLS है। इन्होंने मुझे एक नया जीवन दिया जिसको जैसा बाहर को मैं कभी मतलब भूल नहीं सकता। फ्रेंड्स, NLS हेल्थ मिशन आपके लिए लाया है टोटल हेल्थ सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, क्या आप रोज रोज की दवाइयां खाकर तंग आ चुके हैं? क्या दवाई खाते खाते भी आपकी रोज की दवाइयों की डोज बढ़ती ही जा रही है? और तो और, डेली डेली दवाई खाने के बाद भी क्या आपकी बीमारी भी बढ़ती जा रही है? क्या यंग एज में भी आपके एनर्जी लेवल डाउन है? वो एनर्जी नहीं है जो होनी चाहिए? क्या आपको रात को नींद नहीं आती और सुबह उठा नहीं जाता? हर सुबह फ्रेशनेस की जगह वीकनेस रहती है? क्या आप दवाई खाने से पहले गूगल पर दवाइयों के साइड इफेक्ट सर्च तो कर चुके हैं लेकिन फिर भी डर डर के दवाई रोज खा रहे हैं क्योंकि चाहकर भी आपके पास कोई अल्टरनेटिव या प्रिवेंटिव सिस्टम नहीं है? क्या आपको लगता है कि अब तो आपको सर्जरी करवानी ही पड़ेगी लेकिन आप सर्जरी करवाने से भी डरते हैं और आपको ये भी लगता है कि सर्जरी भी सॉल्यूशन नहीं है और आप सर्जरी से बचना चाहते हैं? क्या घर बैठकर YouTube वीडियोस देखकर आपको थोड़ा बहुत फायदा तो हो चुका है लेकिन प्रॉब्लम पूरी तरह खत्म नहीं हुई है? अब आप YouTube वीडियो से नहीं बल्कि 1-to-1 पर्सनल केयर चाहते हैं। वहीं YouTube वीडियोस ने आपको कंफ्यूज तो नहीं कर दिया है? कोई कहता है गर्म पानी पियो, कोई कहता है गर्म पानी मत पियो, कोई एक कुछ कहता है और दूसरा उसी के जस्ट अपोजिट। मेरे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मुझे तो उनके आंसर चाहिए। YouTube से ज्ञान तो बहुत मिल गया, अब तो रिजल्ट चाहिए। गाइस, क्या आप कोई ऐसा नेचर केयर सेंटर ढूंढ रहे हैं जहां आप एक्सपर्ट्स की सुपरविजन और गाइडेंस में रहकर अपनी प्रॉब्लम को समझ सकें और आपको हाथ की हाथ रिजल्ट भी मिल जाए? तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लाए हैं टोटल हेल्थ सॉल्यूशन
4 डेज रेजिडेंशियल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये टोटल हेल्थ सॉल्यूशन क्या है और इससे क्या मिलेगा? दोस्तों, नेचर क्योर नेचुरोपैथी में ये हमारी 3rd जनरेशन है। आपको मिलेगा हमारा और हमारी टीम के पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस का लाभ, क्योंकि हम सब ने अपनी बीमारियों को न केवल बिना दवा के ठीक किया है, बल्कि अब हम लंबे समय से बिना किसी दवा के हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। ये हमारा प्रोफेशन नहीं बल्कि पैशन है। आपको मिलेगी हमारे डॉक्टर्स की क्लियर सुपरविजन, जिनकी गाइडेंस में ही डेली सुबह शाम चेकअप के बाद ही आपकी बीपी और शुगर जैसी बीमारियों की दवाएं या तो बंद होंगी या टेपर ऑफ। गाइस, अभी तक 6000 प्लस लोग हमसे ये ट्रेनिंग ले चुके हैं और अपनी लाइफ में यू टर्न कर चुके हैं। आपके मन में चल रही एक और बात कि 4 दिन में तो रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन घर आने के बाद क्या होगा? दोस्तों, आप इस बात का बिल्कुल फिक्र ना करें। इन 4 दिनों में हम आपको वो एक्सपीरियंस और वो ट्रेनिंग देने वाले हैं कि अगर आप डाइवर्ट भी हो गए तो भी आप हमारे पास ही वापस आएंगे, क्योंकि एक बार टोटल हेल्थ सॉल्यूशन का टेस्ट चख लेने के बाद आपको हमारे पास आना ही पड़ेगा। दोस्तों, अब एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कि किन लोगों के लिए ये प्रोग्राम नहीं है। नंबर 1, अगर आपका किडनी डायलिसिस चल रहा है, या फिर अगर आप चल फिर नहीं सकते या लगातार कुछ देर चेयर पर भी बैठना आपके लिए मुश्किल है, तो फिर ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है। लेकिन हाँ, आप हमारे इंडोर रेजिडेंशियल स्टे में आ सकते हैं। अगर आपका बच्चा 6 साल से छोटा है और आप ना तो उसे घर में किसी अपने के साथ छोड़कर आ सकते हैं और ना ही कोई केयर टेकर ला सकते हैं, तो फिर आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन हाँ, फिर आप इसे ऑनलाइन ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि मेरे पास तो 4 दिन का टाइम ही नहीं है, मैं तो यूट्यूब वीडियोज़ या फिर आपकी बुक्स पढ़कर ही काम चला लूँगा, तो फिर भी माफ़ करिएगा, ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है। फिर भी यदि आप वीडियोस देख के बुक्स पढ़ के सेटिस्फाइड हैं और आपको लाभ भी मिल रहा है, तो इट्स ओके। गाइस, अगर आपकी कोई दवाई चल रही है तो पहले आपकी दवाई और मेडिकल रिपोर्ट्स को हमारी मेडिकल टीम चेक करेगी, उसके बाद ही आप ज्वाइन कर पाएंगे। अगर आपको लगता है मेरी बीमारी तो रेयर है, कुछ अलग है, या आपके मन में कोई डर है, तो आप आने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। सो गाइस, अगर आपको लगता है कि हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए सुटेबल है, तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि रिजॉर्ट में रूम्स लिमिटेड हैं, कहीं देर ना हो जाए। NLS हेल्थ मिशन, मेकिंग जनरेशन हेल्दी। धन्यवाद।